नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मी में। मैं हूं आपका दोस्त ब्रिजेश और आपके लिए फिर से लाया हूं एक जानकारियों का पिटारा। और आज हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको ज़रूर ही मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम बात देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। दूसरा क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई थी? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव 2013 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहाँ की गई? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना गुजरात के नर्मदा जिले में की गई। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर या 597 फीट। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी? तो इसकी सबसे ऊंची प्रतिमा थी चीन में स्थित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, जिसे हम लोग बुद्धा टेम्पल के नाम से भी जानते थे। वो सबसे ऊंची थी दोस्तों 153 मीटर। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिज़ाइन किसने के द्वारा तैयार किया गया? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा का जो डिज़ाइन था वो शिल्पकार राम सुतार द्वारा तैयार किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा किस कंपनी द्वारा बनाई गई? L&T कंपनी, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, L&T के चेयरमैन कौन है? तो L&T के चेयरमैन है AM नाइक। स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया? इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा जुटाने के लिए किस ट्रस्ट का संगठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन, रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पहली बार कब किया गया? तो रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का पहली बार आयोजन 15 दिसंबर 2013 को पूरे देश में किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? तो 12 किलोमीटर दूर से स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 नाडियाड गुजरात में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री रह चुके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1931 में कराची अधिवेशन में चुने गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न 1991 ईस्वी में दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के बाद बारदोली की महिलाओं ने यह सरदार की उपाधि दी थी। लास्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और ऐसे ही अगर आप रोचक जानकारियां चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।